प्रिय छात्रों, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर गौरी शंकर पासवान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, केकेएम कॉलेज जमुई, मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर। आज 14 मई को जिस टॉपिक पर लेक्चर होगा उसका हेडिंग है भारत में गरीबी कारण तथा निदान, अथवा भारत में गरीबी का दुष्चक्र कारण और निराकरण। बंधुओं, भारत में गरीबी का कारण तथा निदान अथवा गरीबी का दुष्चक्र कारण और निराकरण, बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 5 तथा बीए पार्ट 1 ऑनर्स पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है। यूं तो हम जानते हैं कि गरीबी संसार में खासकर अल्प विकसित राष्ट्रों में बड़े पैमाने पर व्याप्त है, जो सामाजिक बुराई बन गई है, समाज के लिए अभिशाप बन गया है। गरीबी की कोई एक ऐसी परिभाषा नहीं है जो संसार के सभी देशों के लिए मान्य हो। वास्तव में क्योंकि प्रत्येक देश में गरीबी को परिभाषित करने का अलग अलग प्रयास किया गया है। जहां तक गरीबी के अर्थ का सवाल है तो इस संबंध में कहा जाता है कि गरीबी से तात्पर्य उस अवस्था से है जब समाज का एक वर्ग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा को भी पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर भी आदमी अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। दूसरे शब्दों में निर्धनता रेखा का मतलब आय का इतना कम होना कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने लायक खर्च करने का भी सामर्थ्य नहीं हो। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नहीं प्राप्त होता है तो उसे गरीबी रेखा कहते हैं। यानी यदि किसी व्यक्ति को गांव में 2400 कैलोरी तथा शहर में 2100 कैलोरी भी प्रतिदिन नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को पॉवर्टी लाइन के नीचे रखा जाता है। गरीबी दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष गरीबी तथा सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति को जीवन निर्वाह की न्यूनतम जरूरतों जैसे भोजन, वस्त्र, आवास भी प्राप्त नहीं होता है। सापेक्ष गरीबी का अर्थ होता है एक व्यक्ति के पास सापेक्षिक रूप से दूसरे व्यक्तियों की तुलना में धन और संपत्ति का कम होना, जैसे निम्न वर्ग मध्यम वर्ग से सापेक्षिक रूप से गरीब है, मध्यम वर्ग उच्च वर्ग से सापेक्षिक रूप से गरीब है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। जैसा कि रैगनर नर्क्स ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में स्पष्ट लिखा है कि इन देशों में शक्तियों का एक ऐसा चक्रकार होता है कि वह एक दूसरे पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया
करता रहता है, जिससे एक निर्धन देश निर्धनता की स्थिति में बना रहता है। अल्पविकसित देशों में पूंजी का अभाव होता है, अतः उत्पादकता निम्न होती है, जिसके कारण आय भी निम्न हो जाती है। निम्न आय की वजह से निम्न बचत होता है और निम्न बचत होने के कारण अल्प विनियोग होता है, जिसके कारण पूंजी का अभाव रहता है। यह चक्र बराबर चलता रहता है, इसीलिए इसे गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। प्रोफेसर एन भट्टाचार्य ने स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तक इंडियन प्लान में लिखा है कि कोई भी देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह अल्प विकसित है, और कोई देश इसलिए अल्प विकसित देश है क्योंकि वह गरीब है। अब हम देखेंगे कि भारत में निर्धनता के अथवा गरीबी के दुष्चक्र के कौन कौन से कारण हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं, जैसे पूंजी की मांग संपूर्ति पक्ष, दूसरा प्राकृतिक साधनों का अल्प उपयोग, तीसरा कृषि का पिछड़ापन, चौथा बेरोजगारी की व्यापकता, पांचवा उद्योग धंधों का अल्प विकास, छठवां जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, सातवां टेक्नोलॉजी का निम्न स्तर, आठवां अस्फीतिकारी दबाव, नौवां गरीबी का दुष्चक्र। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारक हैं, जैसे ब्रिटिश शासन, अशिक्षा, अज्ञानता, भाग्यवाद, जातिवाद, ये सभी उत्तरदायी कारक हैं। भारत में गरीबी उन्मूलन के उपाय अथवा गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने का उपाय, इसके भी निम्नलिखित उपाय हैं, जैसे प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग करना, जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावकारी नियंत्रण करना, कृषि विकास तथा भूमि सुधार करना, औद्योगिकरण में तेजी लाना, आर्थिक विकास को कम करना, मतलब आर्थिक विषमता को कम करना, टेक्नोलॉजी का विकास करना, बाजार का विस्तार करना, बचत में वृद्धि तथा उसका उत्पादन कार्यों में निवेश करना। इसके अलावे भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री धन जन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मनरेगा योजना इत्यादि बहुत से उपाय हैं जिनके द्वारा गरीबी की दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि निर्धनता देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। बहरहाल भारत सरकार गरीबी उन्मूलन की दिशा में काफी प्रयत्नशील है और समावेशी विकास की ओर भारत तेजी से अग्रसर है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत में प्रौद्योगिकी के उपयोग ने तेजी से आर्थिक विकास किया है, जिससे देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करने में सफलता मिली है। नीति आयोग ने 2017 में गरीबी दूर करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तावित किया था। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना तय कर ली जाएगी। यूएनडीपी के अनुसार वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2018 में स्पष्ट ऐसा बताया गया है कि 2005-2006 से 2015-2016 के बीच भारत में 270 मिलियन से अधिक लोग गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकले हैं तथा
देश में गरीबी की दर करीब 10 वर्षों की अवधि में आधी हो गई है। भारत ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस प्रकार 10 वर्षों के अंदर भारत में गरीब लोगों की संख्या 271 मिलियन से कम हो गई है, जो वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से वृद्धि कर रही है, लेकिन ऊंच आर्थिक वृद्धि दर के बिना गरीबी को पूर्णतः कम करने में सफलता नहीं मिल सकती है। फिलहाल कोरोना महामारी ने आर्थिक प्रगति के इस इंजन को रोक दिया है। इससे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। यह बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है।